बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज जिस विटामिन की हम बात करेंगे उसका नाम है विटामिन B1। हम इसका केमिकल नेम भी बताएंगे, सोर्स कि कैसे हमें मिलता है, उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है कि अगर विटामिन B1 ना मिले तो फिर क्या होता है, और अगर ये हमें मिल जाए तो उसके क्या फ़ायदे हैं, फिर आखिर में हम इसकी ट्रीटमेंट देखेंगे। दोस्तों, विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है वो थायामीन है, थायामीन। और इसका सोर्स क्या है, यानी ये हमें ग्रेन से मिलता है, नट्स से मिलता है, बड़ा गोश्त जो होता है बीफ उसमें है, और मिल्क प्रोडक्ट्स में पाया जाता है विटामिन B1। ओट्स में होता है, ऑरेंजेस, सीड्स, पीज, यीस्ट, राइस, पास्ता, इवन ब्रेड और राइस में भी ये पाया जाता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, अगर विटामिन बी की डेफिशिएंसी किसी पेशेंट में पाई जाए तो उसे बेरी बेरी की बीमारी लग जाती है, यानी पॉलिश्ड राइस खाने की वजह से होती है। ये जो चावल आजकल पॉलिश हुए आते हैं ना, इसकी वजह से बेरी बेरी की बीमारी लग जाती है। ब्रेन जो है वो कमज़ोर होने लगता है और मसल्स वीक हो जाते हैं, रात को नींद नहीं आती विटामिन B1 की कमी की वजह से, और दिल की तकालीफ शुरू हो जाती हैं। और अगर विटामिन B1 हमें मिल जाए तो फिर फ़ायदे क्या हैं, कि ये हमें हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है विटामिन B1, और उसके बाद फिर ये हमारे मसल्स को प्रोटेक्ट करती है, फिर ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, उसको हरकत में रखती है, और हमारे हार्ट को भी बेहतरीन बना देती है, यानी हेल्दी रखती है, और स्टमक और इंटेस्टाइन के लिए भी बेहतरीन है विटामिन B1। और ये फिर हमारे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को भी मेंटेन करती है विटामिन B1। तो इसकी जो नॉर्मल अमाउंट है पर डे, वो एक अडल्ट को कितनी चाहिए होती है, एक जो एडल्ट है उसको 10 mg की मकदार चाहिए होती है। अब हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं कि आखिर इसका कौन सा ट्रीटमेंट है, होम्योपैथी में कौन सी मेडिसन्स हैं जो विटामिन B1 की कमी को पूरा करती हैं। इसमें सबसे पहले चाइना ऑफ क्यू फार्म में, यानी इसका मदर टिंचर है, और इसके 15-15 कतरे आप 3 टाइम ले सकते हैं। उसके बाद दूसरी मेडिसन चिलीडोनियम है क्यू फार्म में, ये भी मदर टिंचर है, इसके भी आप 15-15 कतरे अपने होम्यो डॉक्टर, जो अच्छा होम्यो डॉक्टर हो, आम नहीं, जो अच्छा होम्यो डॉक्टर हो, उसकी कंसल्टेशन के बगैर आपने नहीं लेनी। तो आप चिलीडोनियम जो मदर टिंचर है उसके 15-15 कतरे आप ले सकते हैं। उसके बाद फिर काली म्यूर है, टैबलेट्स हैं ये 6x में, ये आप 5-5 टैबलेट मुंह में सिर्फ रखनी है आपने, और ये डिज़ोल्व हो जाती है, इसको पानी से लेने की ज़रूरत नहीं है। जो काली म्यूर है इसको आपने 5 टैबलेट सुबह आपने लेनी है, 5 आपने दोपहर को और 5 शाम को। तो इसके साथ आपने अपना थोड़ा सा डाइट का ख्याल रखना है, और थोड़ी सी एक्सरसाइज भी लें, और उसके बाद आप कम अज़ कम 40 मिनट्स डेली की वॉक को अपने ज़िंदगी में शामिल कर लें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।